दोस्तों स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कंप्यूटर में आपकी डेट और टाइम ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, यानी आप जब भी कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के बाद जब भी दोबारा ऑन करते हो तो आपको ये डेट और टाइम चेंज मिलेंगे। इसका कारण यह है कि इसमें लिथियम बैटरी होती है और वो डिस्चार्ज हो चुकी है यानी ख़राब हो चुकी है। वो बैटरी आपको मार्केट से 10 से 15 रुपए में आसानी से मिल जाएगी और डेट ख़राब होने की वजह से हम इंटरनेट भी नहीं चला पाते। यानी अगर यहाँ पे डेट करंट डेट नहीं होगी, जो आज है डेट वो नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी डेट होगी और आप नेट कनेक्ट करोगे तो वो नेट कनेक्ट नहीं होगा, इसका ये लॉसेज है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिथियम बैटरी कंप्यूटर में कहाँ होती है और आप इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। अब मैंने पीसी खोल लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा लिथियम बैटरी कहाँ होती है। लेकिन दोस्तों आप पहले इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह से ऑफ कर दीजिए, क्योंकि लगभग घरों में अर्थिंग नहीं की हुई होती है। अर्थिंग ना करने की वजह से हमें करंट लग सकता है, इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी को पहले पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर है लिथियम बैटरी, ये रही लिथियम बैटरी, ये लिथियम बैटरी है। इसको यहाँ पे ये पिन है, यहाँ से हम ऐसे प्रेस करेंगे तो लिथियम बैटरी बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ गई है, आराम से बाहर निकाल लीजिए। ये होती है लिथियम बैटरी। ये अगर लिथियम बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइम दोनों ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये चार्ज स्टोर रखता है। जब हम पीसी को इलेक्ट्रिसिटी से डिसकनेक्ट कर देते हैं तो हमारी जो क्लॉक होती है, मदरबोर्ड में जो क्लॉक की सेटिंग होती है, उसको पावर इस बैटरी से मिलती है और इस बैटरी के ख़राब हो जाने से ये बैटरी पावर नहीं दे पाती और हमारी डेट और टाइम चेंज हो जाता है। और डेट और टाइम चेंज होने के कारण जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो हमें डेट और टाइम को दोबारा सही करना होता है, उसके बाद इंटरनेट चल पाता है। तो इस बैटरी को अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं, इसको ये देखो, ये वाला साइड नीचे की ओर रखना है। इसको नई बैटरी जैसे हम बाजार से ले आते हैं उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जब हम आधे से एक घंटे तक कंपनी से को रखेंगे तो ये बैटरी पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। और पूरी तरह चार्ज होने के बाद हम इसकी डेट को भी सेट कर लेंगे। डेट को सेट करने के बाद नेक्स्ट डे जब भी हम पीसी को ऑन करेंगे तो हमारी डेट चेंज नहीं होगी, हमारी डेट एग्जिट करंट डेट ही बताएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।